हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो जो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान की वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 81, ठीक है। शिक्षा निदेशालय की ओर से वर्कशीट है जो कि 3 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इसमें हम रिविजन करेंगे कार्बन और उसके यौगिक, चैप्टर 4 है ये आपका, ठीक है। वो हमारा रिविजन इसमें करेंगे चैप्टर 4, कार्बन और उसके यौगिक। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? ग्रेफाइट, हीरा, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है फुलेरिन, ठीक है बेटा। तीसरा कौन सा है? तीसरा फुलेरिन। कार्बन के अपर रूप देखिए, ग्रेफाइट एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है इसमें प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है, और इसमें एक आबंध जो है, एक आबंध क्या है? द्विआबंध होता है। तो आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किया है, उसमें एक जो है वो कुछ इस तरह से, ये एक दूसरे से कार्बन जो है वो जुड़े हुए होते हैं, और उसके बाद ये कुछ इस तरह से क्या बनाते हैं? लेयर ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरह से लेयर फॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर एक जो है नीचे ऐसे, ये जो कार्बन ये परते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे व्यवस्थित रहती हैं। उसके बाद देखिए, चिकना तथा फिसलनशील होता है ये लेयर जो परत है एक दूसरे के ऊपर ऐसे जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण ये चिकना होता है, और ये विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसके अंदर तीन जो एक एक कार्बन है वो 3 के साथ आबंध बनाता है, 1 2, ऐसे देखिए 1 2 और 3, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या रहता है? स्वतंत्र रूप से रहता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। इसकी उपयोगिता क्या है? स्नेहक, पेंसिल, लेड, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये चिकना है इसलिए स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हीरा। हीरा दृढ़ 3 आयामी संरचना है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। तो इसमें कार्बन जो है इस तरह से 4 कार्बन परमाणुओं के साथ क्या होगा? आबंधित होगा, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जिसके कारण ये क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक है और सर्वाधिक कठोर पदार्थ ज्ञात अब तक का, यानी जो भी हीरा है वो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। उपयोगिता क्या है? काटने के उपकरण, आभूषण, कठोर होने के कारण इसका प्रयोग काटने के उपकरण बनाने में किया जाता है, और हीरे के आभूषण बनते हैं। नेक्स्ट करेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध जब होता है तो वे होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? एकल आबंध है, तो वो क्या होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। और इनको हम, जिनमें एकल आबंध होता है उसको हम एल्केन की कैटेगरी में रखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो तो वो किसमें आएंगे? वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे, ठीक है। अगर द्विआबंध है तो फॉर्मूला रहेगा क्या? रहेगा CnH2n, और अगर त्रिआबंध है तो फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2, और अगर एकल आबंध है जिनको हम एल्केन कहते हैं उसका होगा CnH2n+2। तो आप याद रखेंगे, एकल आबंध है तो CnH2n+2 यानी एल्केन, द्विआबंध है CnH2n एल्कीन, और त्रिआबंध है तो एल्काइन और CnH2n-2, ठीक है। यानी हर बार 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे एक आबंध के कारण, क्योंकि एक आबंध का मतलब क्या होता है? एक आबंध का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन हर बार कम हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है एथेन की है, तो 2 कार्बन है आपके पास C2H6, तो 2 कार्बन हमने लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, 2 कार्बन हमने लिख दिए इस तरह से। उसके बाद इस वाले कार्बन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें जो है इस वाले कार्बन के पास हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, इस तरह इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ से हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन। इसी तरह 3 हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ जाएंगे और ये अपना आबंध कैसे इस तरह से पूरा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा कर लेंगे, हर एक जो है अपने हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, और जो कार्बन है वो अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आबंध बना के और कंप्लीट अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे कर लेगा।
ठीक है, जैसे इसमें ये दिखाया गया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इनमें क्या हो गई, आपस में साझेदारी हो गई। नेक्स्ट अगर हम एथीन की बात करें तो एथीन में क्या होगा, इसमें चार हाइड्रोजन है तो आप इस तरह से बना के, और फिर इसमें द्विआबंध होगा तो द्विआबंध होगा तो बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। एथाइन में इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोकार्बन क्या है उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे क्या है, मिथेन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, हीरा या ग्रेफाइट क्यों? तो निम्नलिखित में से जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्वतंत्र रूप से रहता है जो विद्युत प्रवाहित करता है, लेकिन हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, जिसके कारण यह विद्युत का प्रवाह नहीं करता। ठीक है, विद्युत का प्रवाह नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या है, फुलेरिन क्या है, यह कार्बन के अपर रूप से किस प्रकार भिन्न है? तो जो फुलेरिन है यह भी कार्बन का ही अपर रूप है, इसकी जो संरचना है वो एक फुटबॉल की तरह होती है, और इसका प्रत्येक अणु कार्बन परमाणु का एक गोलाकार समूह होता है। ठीक है, गोल गोल जो है बॉल की तरह ये बन जाता है, इसलिए इसे C60 लिखा जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है और इसकी संरचना किसकी तरह होती है, फुटबॉल की तरह है। यह रासायनिक रूप से स्थायी तथा अक्रियशील होता है। ओके, नेक्स्ट है, तीन प्रश्न हमने कर लिए बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर चार। एथाइन कार्बन व हाइड्रोजन का एक, आप बताइए संतृप्त है या असंतृप्त है, हमने भी किया ना एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एथाइन जो है वो संतृप्त है या असंतृप्त है, तो क्या हो जाएगा, ये असंतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या, तो कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है इसके अंदर, कार्बन के जो संख्या है इसमें दो होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें एथाइन है तो इस तरह से इसमें ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो दो कार्बन इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न पांच, एल्कीन एल्काइन और एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो हमने अभी किया था एल्कीन एल्काइन, देखिए ये एल्केन होगा। ठीक है, एल्कीन एल्काइन और एल्कीन कर लीजिए, तो एल्केन का क्या होगा, एल्केन का होगा CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है, एल्काइन, तो एल्काइन का क्या होगा CnH2n-2। तीसरे नंबर पे दिया गया है एल्कीन, तो एल्कीन का होगा CnH2n, हमने अभी ऊपर किया है, तो ये सामान्य सूत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न छह, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सो यहां से आप इनमें अंतर करेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, ये जो टेबल है ये आप कंप्लीट अपने आंसर में लिख लेंगे, बहुत अच्छे से आपको आंसर दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, तो सबसे पहले हम करेंगे CH4 की। CH4 की कैसे बनाएंगे, ये कार्बन इसके अंदर कितने होते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाएंगे हम, चार इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन में भी दिखाएंगे हम, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो जाएगा, चार हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से जो है दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये अपना हाइड्रोजन का ये ऐसे कंप्लीट कर लेगा, इधर से ये अपना कंप्लीट कर लेगा, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा और इसका अपना कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप कार्बन का करोगे तो कार्बन का चार तो इसके अपने हैं और चार एक एक ये हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा और इस तरह से ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसके बाद देखिए वाटर की। ठीक है, वाटर की हम कैसे करेंगे, वाटर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास अपने लास्ट में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास छह होते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, दो और चार हो जाएंगे, तो चार में आप देखिए तो छह इसके पास हैं, दो आप यहां पे दिखा देंगे, दो हाइड्रोजन हमें जोड़नी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो एक हाइड्रोजन का ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का ये हो जाएगा, तो इस तरह से हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर ली, यहाँ से इसने कंप्लीट कर ली, और यहाँ ऑक्सीजन के दो दो चार पांच छह और सात आठ ये कंप्लीट हो जाएंगे आठ। ठीक है, ये हो गया किसका, वाटर का। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनाएंगे, कार्बन इसके साथ जो है दो ऑक्सीजन हमने लगानी है। ठीक है,
और ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन का जो है ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के, और उसके बाद ये दिखा देंगे हम दो इलेक्ट्रॉन किसके हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के हमारे पास कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है, साइड में चार और दो ये हो गए छह, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, अब चार और ये इसके 5 6 7 8 ये कंप्लीट हो गया, इसके यहां से ये कंप्लीट हो गए, और ऑक्सीजन कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसकी बिंदु संरचना हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए C3H6, इसमें C3H6 में आप पहले इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, C3H6, उसके बाद ये जो आबंध दिखाए गए हैं यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, हाइड्रोजन का एक जो है इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और फिर इस तरह से इसके कंप्लीट हाइड्रोजन अपने दो कंप्लीट कर लेगा, इस तरह कार्बन भी अपने कंप्लीट कर लेगा। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा, आई होप आपको ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।